यार दोस्तों अंदर तो अंडे पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं उठूँ तो सबसे मुर्गे को पहले किसी ने खोल दिया हुआ, तो देखते हैं यार बाहर मुर्गा कहाँ पे है, उसको बुलाते हैं, उसको खाना शाना देते हैं। लो जी आ गया शहजादा। यार हमने इसकी बहुत ज़्यादा ढूंढी है लेकिन हमें इस ब्रीड की अभी तक सरगोधा में नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि यार 20-25 दिन वेट करें, 20-25 दिन के बाद हो सकता है कोई फीमेल आए तो हम आपको दे देंगे। मैंने उनको अपना नंबर शंबर सब कुछ दे दिया, तो मैंने कहा यार आप ना हमें काइंडली लाजमी बताना जब भी है। तो इसको सुबह बाजरा देते हैं, पानी आई थिंक सुबह रात को बारिश हुई थी तो पानी इसका फिल है, फ्रेश पानी है, और बाजरा वगैरह इसको देते हैं आज। पोट्रा में बाद है। दोस्तों मुर्गे का दाना ख़त्म हो गया था, अभी हमारे पास जो है ना अपने बर्ड्स की दाना पड़ा हुआ था, तब ये ट्राई करते हैं, मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ, देखते हैं अगर ये काला मुर्गा खाता है तो इसको फिर और दे देते हैं, और इसके लिए आज बाजरा ले आएंगे। फिर कहाँ चला गया यार ये, यार दोस्तों आ गया। यार एक ये फ़ायदा होता है अगर आपने तो अपने बर्ड अपने ऊपर अपने मुर्गों को इस तरह सिखाया हुआ है ना, तो आप उनको इस तरह जो है ना बुला सकते हो वो कहाँ पे भी हो। लास्ट दिनों से मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं करूँगा, लेकिन यार आजकल रोजे हैं तो दिल ही नहीं करता कोई और काम करने का। तो होपफुली आज ये जो पुराने शॉपर वगैरह पड़े हैं इसके ऊपर ये भी सारे जो हैं वो ऊपर से रिमूव कर देंगे, और ये सारा गंद उठा के ना इसको भी साफ़ कर देंगे जगह को, इसको भी कर देंगे, ये दे इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा गंदी है, और इसको भी इंशाल्लाह साफ़ कर देंगे। तो को जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा यार पानी डालना है, और इनका ये इसका दाना भी ख़त्म हो गया, इसको दाना डालना है, ये दाना कल डाला था ये तो अभी ठीक है, इनका पानी भी चेंज करते हैं और दाना भी चेंज करते हैं, ये भी पानी सारा ख़राब हुआ है ये भी चेंज करते हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं कि यार इन्होंने अंडे भी दिए हैं या कोई नहीं दिए, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया, देखते हैं इन्होंने अंडे दिए नहीं दिए। यार दोस्तों अंदर तो अंडे पड़े हैं, इधर देखते हैं इसके अंदर पड़े हैं। ओ इसके अंदर भी एक अंडा पड़ा है, वाओ पड़ा। मैंने देखा इसके अंदर अंडा पड़ा है, मेरे ख्याल से एक जो वाइट की जोड़ी है और दूसरी ज़ेब्रा फिंच की है, तो अल्लाह करे अब इन दोनों में से बच्चे निकले हैं। इसमें ये वाला जो पिंजरा है इसमें एक अंडा पड़ा है, इस ये वाले पिंजरे में तीन अंडे पड़े हुए हैं। तो अब बस ये दुआ है कि यार ये आपस में पेयरिंग की हो, ये ना हो कि एक ब्लैक हो, वो चिट्टे काले बच्चे निकल रहे हो। तो यार दुआ ये है कि वाइट की साइड के वाइट का पेयर बनाओ और ब्लैक का ब्लैक के साथ पेयर बनाओ। यहाँ पर भी अंडे पड़े हुए हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं अभी जावा को तंग ना करूँ, और इनमें तो यही है कि भाई इनके तो मुझे लगता है कि काले चिट्टे बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि एक वाइट है इसके अंदर, बाकी तीन ग्रे हैं, अब कोई नहीं पता किसकी किसके साथ पेयरिंग हुई भी है। चलो यार अब इनको पानी डालते हैं, सबसे पहले पानी डाल के देते हैं, और एक जिसका जो है ना वो दाना ख़त्म हुआ है दाना डालते हैं। तो ये दाना ख़त्म हुआ है, आई थिंक इतना इनाफ होगा, बाकी जब ख़त्म होगा तो वो डाल देंगे। चलो भाई ठीक, आपकी भी वीडियो बना लूँगा। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? तो यार अब दोस्तों इनको पानी दे देते हैं इनका। दोस्तों मैंने कल इसको जो थी मुंजी कल डाली थी, और ये भी मैंने कल दिया था तो अभी पड़ा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा, पानी मैंने इन दोनों का चेंज कर दिया, ये ख़त्म था ये भी मैंने दे दिया। तो आज के लिए जो है वो तोतों का ऑल डन है। हैदर अली हैदर बेटा ये सारी जगह साफ़ करनी है, मेरे से साफ़ करवाओगे आप? अगर आप मेरे से साफ़ करवाओगे ना सारी जगह तो मैं आपको एक जूस दूंगा, ठीक है? डन है, सारी जगह साफ़ करवानी है, लेकिन अगर आपके कपड़े गंदे हो गए फिर हैं नहीं होंगे। चलो सही है, अब ये सारा चलो शाबाश स्टार्ट हो जाओ, ये पकड़ लो झाड़ू, ये झाड़ू पकड़ लो, साफ हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। अली अदर आप कैसे करोगे, छोड़ दो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ।
दोस्तों ये हमें भाई मिल गए हैं और ये वैसे भी नॉर्मली काम करते रहते हैं हमारा गार्डनिंग का। इनको मैंने बोला कि यार ये सारा साफ कर दें मेरे लिए, मैं तो कर ही नहीं रहा था एक दो दिन से, तो इनके अभी ड्यूटी लगी है और ये सारा साफ़ करके देंगे हमें। दोस्तों पिंजरा उठवा के मैंने यहाँ पर रखवा दिया कि यार वो ना वहाँ पर आराम से सफाई हो सके, क्योंकि अभी हम लोगों ने और मुर्गियाँ लेके आनी हैं। तो मेरा दिल है इसको हम लोग ना थोड़ा पेंट कर लें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी जगह जंग लगा हुआ है। तो मेरा दिल है इसको पेंट कर लें हम, और ये जो सारी जगह होगी ये जहाँ पे साफ़ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे चूना फेंक देंगे। चूने से ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे सारे जो बर्ड्स हैं उनके जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ताकि जो हम लोग न्यू बर्ड लेके आएंगे उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी इजीली। और इतनी देर तक हम लोग जो अपना छोटा सा हमारा ब्लैक मुर्गा है हम लोग उसको वहाँ बंद कर सकते हैं। सारी जगह की सफाई होगी, अब हमारा प्लान ये है कि यहाँ पे सारा गिरेगा चूना, और यहाँ पे सारे हम लोग जो है ना सोच रहा हूँ कि यार कोई चीज़ लगा दूँ, चलो मुर्गियाँ ही खा लेंगी, वो तो खा लेंगी, कोई ग्रीनरी थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो और ये जो हमारा पिंजरा है, अब हमारा प्लान ये है कि इसको हम लोगों ने ब्लैक कलर कर देना सारा, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार दोस्तों के साथ शेयर करो, यार लाइक लाजमी कर देना, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।